अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं सब लोग? चले जी शुरू करते हैं। हमने चैप्टर नंबर 9 बड़ी मुश्किलों से शुरू किया है क्योंकि 8 खत्म नहीं हो रहा था। तो चैप्टर नंबर 9 का ये दूसरा लेक्चर है। तो इसमें हम जो पढ़ेंगे वो क्या है जी, नो मैन क्लेचर को पढ़ेंगे। एक तो ये स्क्रीन का छोटा करना याद ही नहीं रहता, वीडियो रोकना पड़ती। अच्छा जी, हमारा जो टॉपिक है वो है नोमेनक्लेचर ऑफ एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन। अच्छा, मैं फिर से ये बता दूं कि एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन सिर्फ बेंजीन का नाम नहीं है, सिर्फ बेंजीन के कंपाउंड को एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन नहीं कहते, ठीक है। एरोमेटिसिटी एक वाइड टॉपिक है और इसके अंदर वो चीजें भी आती हैं जिनका मतलब जो एरोमेटिक नहीं है, वो चीजें भी इसके अंदर शामिल होती हैं। मैं फिर बात गलत कर गया, जो कि होमोसाइक्लिक नहीं है, हेट्रोसाइक्लिक है। कार्बन जो बेंजीन है ये होमोसाइक्लिक है क्योंकि इसके अंदर कार्बन पाया जाता है। तो ऐसे वो तमाम कंपाउंड जो होमोसाइक्लिक नहीं है, हेट्रोसाइक्लिक भी हैं, वो भी एरोमेटिक हो सकते हैं। मैं ये नहीं कह रहा कि वो भी होते हैं, मैंने कहा वो भी हो सकते हैं। बेंजीन तो है ही 100% श्योर है, लेकिन जो हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड है वो भी एरोमेटिक हो सकते हैं। ठीक हो गया, चले जी शुरू करते हैं। मैं इसके कोई रूल शूल नहीं लिख रहा, हम एग्जांपल करेंगे और अपने जो है काम खत्म करेंगे। यहाँ पर मतलब हमारे पास एक तो ये सिंपल बेंजीन है और ये जो बेंजीन है ये हाइड्रोकार्बन, ठीक है। अब बेंजीन के साथ कोई भी सब्सिट्यूट लग जाए, मतलब बेंजीन के साथ यहाँ पर अगर कोई सब्स्टिट्यूएंट कोई चीज़ लग जाए तो अब ये बेंजीन नहीं होगी, बल्कि इसको हम क्या कहेंगे, डेरिवेटिव का नाम देंगे, ठीक है। ये प्योर हाइड्रोकार्बन है क्योंकि इसके अंदर कार्बन और बेंजीन है। कुछ डेरिवेटिव जो हम कुछ ऐसे कंपाउंड जिनके ऊपर सब्स्टिट्यूएंट भी लगा हो वो भी हाइड्रोकार्बन कहलाते हैं। हम आगे चलेंगे और हम उस पर बात करेंगे कि वो कौन से होते हैं। तो कुछ कंपाउंड देख लेते हैं, जैसे कि हमारे पास बेंजीन है और यहाँ पर OH लग जाए तो इसका स्पेशल नेम क्या है, फिनोल। मतलब कुछ एरोमेटिक कंपाउंड जो मोनो सब्स्टिट्यूएंट जिन पर लगा, बेंजीन वो बेंजीन के कंपाउंड जिनमें एक सब्स्टिट्यूएंट लगा होता है, ठीक है, तो उनका एक स्पेशल नाम है। जैसे इसको हम कहते हैं फिनोल का नाम देते हैं। इसी तरह यहाँ पर अगर NH2 आ जाए तो इसको हम एनिलीन कहते हैं। इसी तरह बेंजीन के यहाँ पर CHO आ जाए तो इसको हम क्या कहेंगे, बेंजल्डिहाइड हम इसको कहते हैं। अच्छा, बेंजीन के यहाँ पर क्या आ जाए, COOH आ जाए तो हम इसको क्या कहते हैं जी, बेंजोइक एसिड का नाम देते हैं, इसको बेंजोइक एसिड कहते हैं। अच्छा, इसके बाद बेंजीन के यहाँ पर अगर क्लोरीन लग जाए तो हम इसको क्लोरो बेंजीन का नाम देते हैं, बेंजीन। अच्छा, अगर यहाँ पर इसके नाइट्रो ग्रुप लग जाए यानी NO2 लग जाए तो हम इसको नाइट्रो बेंजीन कहते हैं, नाइट्रो बेंजीन। इसी तरह अगर यहाँ पर बेंजीन के ऊपर यहाँ पर CH3 लग जाए तो हम इसको टॉलीन कहेंगे, ठीक है। अगर तकरीबन सारे पूरे हो गए। अच्छा, यहाँ पर बेंजीन यहाँ पर CH3 और CH2 और 3 लग जाए तो हम इसको क्या कहेंगे, इसको कहेंगे जी इथाइल बेंजीन, ठीक है। ये तमाम वो कंपाउंड हैं जो कि नॉर्मली इनके नाम से ये पुकारे जाते हैं। अब ये तो वो हो गए जो इनके मतलब कुछ कंपाउंड, इनमें कुछ कंपाउंड आपने को देखने को मिल रहे होंगे जिनमें
यहाँ पर बेंजीन लिखा गया, यहाँ बेंजीन लिखा गया, यहाँ बेंजीन लिखा गया, ठीक है, ये वो कंपाउंड है जिनमें बेंजीन इस्तेमाल किया गया। मतलब अगर क्लोरीन आता है, या क्लोरीन आता है, आयोडीन आता है, फ्लोरीन आता है, या ब्रोमीन यहाँ पर लगा होता है, तो हम क्लोरीन का क्लोरो पहले लिखेंगे और बेंजीन बाद में लिखेंगे, यानी क्लोरो बेंजीन, आयडो बेंजीन, नाइट्रो बेंजीन, ब्रोमो बेंजीन, फ्लोरो बेंजीन, इस तरह करके। इसी तरह अगर नाइट्रो ग्रुप लगा है तो नाइट्रो पहले आएगा और बेंजीन बाद में आएगा, ठीक है। इसी तरह यहाँ पे इथाइल ग्रुप लगा हुआ है तो इथाइल बेंजीन, और ये आपको नजर आ रही होगी किधर, ये वाली टॉलिन, इसको हम मिथाइल बेंजीन भी कह सकते हैं, मिथाइल बेंजीन, ठीक है, ये मिथाइल बेंजीन भी इसको कहा जा सकता है। और कुछ कंपाउंड ऐसे हैं, जैसे ये दो कंपाउंड आपको नजर आ रहे हैं, इनके स्पेशल नाम है, जैसे बेंजल डीहाइड, बेंजल बेंजल डीहाइड, जैसे एल्डिहाइड था, फिर बेंजोइक एसिड, ठीक है, और एनिलीन और फिनोल, ये जो है ना वो दूसरे इसके सर्टन नेम्स हैं जो इस लिहाज से लगाए जाते हैं। अच्छा, अब अगर हमारे पास क्या हो, बेंजीन हो, और बेंजीन के यहाँ पर CH3 लगाओ, तो बेंजीन के पास कुछ सर्टेन पोजीशंस होती है, मतलब एक सब्स्टिट्यूएंट लगा है, अब हम डाई सब दूसरे वाले दूसरे सब्स्टिट्यूएंट की बात करते हैं। एक बार में अगर हमारे पास सब्स्टिट्यूएंट इधर लगाओ, यानी मिथाइल ग्रुप लगाओ इधर लगाओ, दूसरी बार में हमारे पास CH3 इधर है और मिथाइल ग्रुप इधर लगाओ, फिर तीसरी बार में हमारे पास यहाँ पर CH3 ही लगा है और मिथाइल ग्रुप अब की बार यहाँ पर लगाओ, मतलब ये यहाँ पर CH3 लगा, CH3 और यहाँ पर, तो इन पोजीशन को क्या कहते हैं, इन पोजीशन को कहते हैं ऑर्थो, इसको कहते हैं मेटा, और इसको कहते हैं पैरा। मतलब ये जो हमारा पहला सब्स्टिट्यूएंट है, इसके लिहाज से ये वाली पोजीशन ऑर्थो, इसके लिहाज से ये जो थर्ड कार्बन है ये मेटा, और इसके बिल्कुल ऑपोजिट साइड वाली ये वाली पोजीशन जो होगी वो पैरा पोजीशन कहलाएगी। इसका मतलब है बेंजीन के ऊपर अगर दो मिथाइल ग्रुप आ जाएं तो हम इनको जाइलीन कहते हैं, तो इस केस में हम इसको क्या कहेंगे, इसको कहेंगे ऑर्थोजाइलीन, इसका नाम होगा ऑर्थोजाइलीन, इसका नाम होगा मेटाजाइलीन, ठीक है, और इसका नाम क्या होगा, पैरा जाइलीन। अच्छा, ये भी जहन में रखिएगा, ये जो कंपाउंड है ना, इनको हम पोजीशन आइसोमर कह सकते हैं, मतलब ये क्या हो सकता है, पोजीशन आइसोमर्स कहलाए जा सकते हैं, क्योंकि देखें यहाँ पे मिथाइल ग्रुप की जो पोजीशन है ना ये मुख्तलिफ है, मिथाइल ग्रुप की पोजीशन मुख्तलिफ है, इसलिए इनको पोजीशन आइसोमर्स हम पुकार सकते हैं, तो ये MCQs वगैरह जो है वो आ जाता है। अच्छा जी, नोमेनक्लेचर में एक चीज जो है वो बहुत इम्पोर्टेंट है, वो क्या है, यहाँ पर एक लिस्ट है जिसको एक निमोनिक्स है, टेट्रा सी ऑनर, ठीक है, ये इन कंपाउंड के नाम क्या है, ये जो कार्बन है, ये कार्बन, ये है COOH यानी कार्बोक्लिक एसिड, ये कार्बन क्या है, ये CHO है यानी के एल्डिहाइड, ये कार्बन क्या है, ये कार्बन है, सॉरी ये मैं गलत लिख गया, ये CN है, साइनाइड, ये कार्बन जो है यह एल्डिहाइड CHO, ये कार्बन क्या होगा, यह है COCH3 यानी के कीटोन, ये कार्बन क्या है, यह है OH यानी के हाइड्रोक्सिल, ये क्या है, यह है NH2, ये ऑक्सीजन है OR, ठीक है, और ये क्या है, यह है अल्काइल ग्रुप, अल्काइल ग्रुप, ये मैंने क्या लिखा है, ये प्रायोरिटी ऑर्डर है, ये क्या है, प्रायोरिटी ऑर्डर है, ये मतलब हमने जो नंबरिंग करनी है बेंजीन के ऊपर, जो नंबरिंग करनी है वो इस ऑर्डर के लिहाज से हम करेंगे, या जो बेंजीन का नाम लिखा जाएगा वो इस ऑर्डर के लिहाज से लिखा जाएगा। मिसाल के तौर पर
हमारे पास है, हमने बेंजीन बना ली और इसके यहाँ पर लगा देते हैं CHO-aldehyde और यहाँ पर लगा देते हैं NH2। अब बेंजीन पर हमने क्या लगा दिया है, हमने डाई सब्स्टिट्यूएंट तो लगा दिया। अब बेंजीन के ऊपर हमने दो सब्स्टिट्यूएंट तो लगा दिए, लेकिन हमारे लिए ये मसला है कि नंबरिंग भाई किधर से शुरू करेंगे। तो उसके लिए हम देखते हैं कि इनमें प्रायोरिटी ऑर्डर में कौन सबसे पहले है। तो हम ये देखेंगे कि एल्डिहाइड पहले आ रहा है और अमाइन ग्रुप जो है वो बाद में आ रहा है, तो नंबरिंग फिर इधर से शुरू की जाएगी। अब ये मसला कि नंबरिंग करते हुए हम इधर जाएंगे कि नंबरिंग करते हुए हम इधर जाएंगे, जारी बात है हम दूसरी तरफ NH2 की तरफ, हम या तो नीचे जाएंगे या फिर NH2 की तरफ जाएंगे, तो ये हमें कंफर्म है कि हम NH2 की तरफ ही मूव करेंगे। तो ये नंबर होगा 1 और 2, मतलब अमाइन की जो पोजीशन है वो 2 होगी, तो इसका नाम क्या होगा, इसका नाम है जी 2 अमाइनो, 2 अमाइनो और बेंजल्डिहाइड, बेंजल्डिहाइड 2 अमाइनो बेंजल्डिहाइड हमारे इस कंपाउंड का नाम होगा। ठीक है, दूसरी कंपाउंड ले लेते हैं। हमारे पास हमने क्या बना ली कि बेंजीन है और इधर हमने क्या लगाया है COOH, यानी कि यहाँ पर हमने बनाया है जी बेंजोइक कार्बोक्सिलिक फंक्शन ग्रुप है, यहाँ पर हमने लगा दिया OH। अब हमने देखना है कि नंबरिंग हमने किधर से शुरू करनी है। तो आप देखें COOH सबसे पहली पोजीशन पर है, OH जो है उसके बाद आ रहा है, तो इसका मतलब है यहाँ से नंबरिंग शुरू करेंगे 1, 2 और 3। तो इसका नाम क्या होगा, इसका नाम होगा 3 हाइड्रोक्सी और बेंजोइक एसिड, बेंजोइक एसिड 3 हाइड्रोक्सी बेंजोइक एसिड इस कंपाउंड का नाम होगा। ठीक हो गया, आगे चलते हैं कुछ और एग्जांपल हमारे, बल्कि एक एग्जांपल इस लिहाज से हम कर लेते हैं, बाकी फिर हम आगे करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट एग्जांपल, हमने क्या बना ली बेंजीन, यहां पर हमने क्या लगा दिया जी CH3 लगा दिया और इस जगह पर हमने OH लगा दिया। अब हमने ये देखना है कि हम नंबरिंग किधर से शुरू करेंगे, तो फिर से वही ट्रिपल सी ऑनर का मामला चलते हैं। ये देखिए OH जो है वो पहले आ रहा है और अल्काइल ग्रुप बाद में आ रहा है, इसका मतलब है OH से हम क्या करेंगे, अपनी नंबरिंग स्टार्ट करेंगे, OH से शुरू करेंगे। ठीक हो गया, तो यहां से नंबरिंग करते हुए यहां तो इधर से चले जाओ, यहां तो इस साइड से चले जाओ, यहां फिर इस साइड से चले जाओ, दोनों साइड एक जैसी ही है, तो नंबरिंग 1, 2, 3 और ये 4 होगी। तो हम इसको नाम क्या देंगे, इसका नाम है जी ये है 4-मिथाइल, 4-मिथाइल और फिनोल, 4-मिथाइल फिनोल इस कंपाउंड का नाम आएगा। अच्छा, एक कुछ बुक के अंदर बड़े बड़े कंपाउंड भी डिस्कस किए गए हैं, जिस तरह के यहां पर OH आ गया, NO2, NO2 और NO2। अब इसका नाम क्या होगा, क्योंकि NO2 की प्रायोरिटी नहीं है और हम नंबरिंग इधर से शुरू करेंगे 1, 2, 3, 4, 5 एंड 6, तो इसका नाम क्या होगा जी, इसका नाम होगा जी 2, 4, 6 ट्राई नाइट्रो और फिनोल। ठीक है, एक और कंपाउंड जो है वो बुक में डिस्कस किया गया है, यहां पर लगा है OH नहीं लगा, यहां पर लगा है जी CH3 लगा हुआ है, यहां लगा हुआ है NO2, यहां पर भी NO2 लगा है और यहां पर भी NO2 लगा है। ठीक है, मतलब 3 पोजीशन पर NO2 लगा है, तो इसकी नंबरिंग कहां से शुरू करेंगे, दारी है जो है वो मिथाइल ग्रुप से शुरू करेंगे, क्योंकि हमारे वो ट्रिपल सी ऑनर में NO2 नहीं आता,
ट्रिपल सी ऑनर में NO2 नहीं आता इसका मतलब, और मिथाइल ग्रुप आता है इसका मतलब मिथाइल ग्रुप की प्रायोरिटी है। तो नंबरिंग हम इधर से शुरू करेंगे 1, 2, 3, 4, 5, 6, तो इसका नाम क्या होगा, सेम वही नाम होगा लेकिन एंड वाला कंपाउंड बन जाएगा 2, 4, 6 ट्राई नाइट्रो और ये टॉलिन, इसको हम TNT कहते हैं। और इसका दूसरा नाम क्या होगा, पिक्रिक एसिड, पिक्रिक एसिड इसका नाम है। और ये मतलब TNT ट्राई नाइट्रोटोलिन, ये तो मतलब धमाका खेज अमवाद कह रहा हूँ, धमाका खेज अमवाद इसमें ये इस्तेमाल होता है, मतलब धमाका वगैरह करने के लिए ये इस्तेमाल होता है। चलो जी नोमेनक्लेचर के दूसरे फेज में चलते हैं। ये हमारी अब तक की जो नोमेनक्लेचर है ये कंप्लीट होती है, लेकिन इसका दूसरा एक हिस्सा है कि वो सब ग्रुप जो कि अगर इस ट्रिपल सी ऑनर में नहीं है तो उन बेचारों का क्या हाल होगा। अगर वो इन ट्रिपल सी ऑनर में मौजूद नहीं है तो हम उनको कैसे देखेंगे, उसको कैसे, उनके साथ कैसे चलेंगे। मिसाल के तौर पर हमारे पास ये बेंजीन है, यहाँ पर हम लगा रहे हैं आयोडीन और इसके इस जगह पर हम लगा देते हैं क्लोरीन। तो हमने ये देखना है भाई ट्रिपल सी ऑनर में तो ये तीनों नहीं है, तो इसकी फिर नेमिंग जो है वो कैसे की जाएगी। तो हमने ये देखना है कि भाई इन दोनों में, इन दोनों सब्सिट्यूएंट में अल्फाबेटिकली सबसे पहले कौन आता है। तो हमने देखा कि जी सी पहले आता है और आई बाद में आता है, ठीक है। जो बाद में आएगा, जो बाद में आएगा ना वो मोर प्रायोरिटी रखेगा, प्रायोरिटी, बात समझ में आई, मोर प्रायोरिटी होगी। इसका मतलब है जो नंबरिंग है वो उससे शुरू होगी 1, 2 एंड 3। तो नाम क्या लिखेंगे, नाम नाम ये आएगा जी 3-chloro और आइडोबेंजीन। आपने कहा आइडो की पोजीशन क्यों नहीं लिखी, वो तो हमें नाउन है ना कि वो पहली पोजीशन पर ही है, आइडो पहली पोजीशन पर ही है ना, आयोडीन पहली पोजीशन पर है ये हमें पता है। अच्छा जी इसके बाद हमारे पास यहाँ पर क्या लगा हुआ है, NO2 लगा हुआ है और इस जगह पर BR लगा हुआ है। तो हमने ये देखना है कि भाई नंबरिंग किधर से शुरू करेंगे। तो देखते हैं ब्रोन का ये B है और नाइट्रो का ये N है, B पहले आता है N बाद में आता है, इसका मतलब है ये मोर प्रायोरिटी रखेगा, मोर प्रायोरिटी इसकी होगी। तो हम नंबरिंग इधर से 1 और ये 2 पर है, इसका नाम क्या होगा, इसका नाम होगा 2-bromo और नाइट्रोबेंजीन, ठीक हो गया। अच्छा एक आखिरी बात रह गई है कि अगर बेंजीन के ऊपर कोई ऐसी चीज मौजूद है जो बेंजीन को स्पेशल नाम देती है तो उसको उसको हम प्रायोरिटी देंगे। मिसाल के तौर पर मैं स्ट्रक्चर बनाता हूँ, ये बेंजीन का स्ट्रक्चर है और इसका ऊपर लगा हुआ SO3H। हालांकि इसका दूर दूर तक ताल्लुक नहीं है ट्रिपल सी ऑनर के साथ, लेकिन जो ये स्पेशल नाम क्या देती है, मतलब जब SO3 बेंजीन पर लग जाता है तो इसका नाम क्या हो जाता है, इसका नाम हो जाता है बेंजीन सल्फोनिक एसिड। ये इसका स्पेशल नाम है बेंजीन सल्फोनिक, जिसमें बेंजीन बाद में और सल्फोनिक एसिड जो है वो बेंजीन पहले आता है, सल्फोनिक एसिड बाद में आएगा। तो इस सूरत में हम इसको प्रायोरिटी देंगे, यानी ये नंबर 1 पे होगा और ये नंबर 2 पे होगा। तो इसका नाम फिर क्या होगा, इसका नाम होगा 2-aido और बेंजीन और सल्फोनिक एसिड, ठीक हो गया। आखिरी जो हम डिस्कशन आखिरी बात करके फिर अल्लाह ते खैर सलाह, ठीक है। इसमें हमारे पास यहाँ पर लगा हुआ है CH3 और यहाँ पर आयोडीन लगा है,
ये नंबर वन पोजीशन पर, ये नंबर टू पोजीशन पर, क्योंकि बेंजीन के साथ सी एच थ्री लगाओ तो ये बेंजीन को टॉलिन कह देते हैं ना, फिर टॉलिन ना हो जाता है। तो इस सूरत में हम इसका नाम, इस कंपाउंड को मैं क्या नाम दूं, बोलो, इसका नाम होगा जी टू आयोडो टॉलिन, टू आयोडो टॉलिन। ठीक है जी, ये हमारे पास कुछ कंपाउंड हैं जो कि बहुत गर्मी है। ये हमारे पास टोटल नोमेनक्लेचर है बेंजीन की। इसके अलावा मैं आपको जो नेक्स्ट लेक्चर है ना, उसमें कुछ बेंजीन के मतलब कि बेंजीन को फिनाइल क्यों कहते हैं, बेंजीन को बेंजल, बेंजल्डिहाइड, ये सब कुछ कब कहा जाता है, ये हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। मतलब जो बेंजीन का टॉपिक प्रॉपर शुरू करने से पहले मैं ये आपको बताऊँगा इंशाल्लाह। तो नेक्स्ट लेक्चर तक अल्लाह हाफिज़। ओ